आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की चेकिंग के दौरान कार न रोकने पर सिपाही ने कार पर गोली चलाई। इसके बाद कार अंडरपास से पिलर से टकरा गई और कार में सवार एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी की मौत। विवेक मूल रूप से सुल्तानपुर कुड़वा क्षेत्र के सरिया माफी गाँव के रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवेक तिवारी की छुट्टी में गोली लगने की कोशिश हो गई। गोली गर्दन और सिर के बीच में फंसी, जिसके कारण अधिक रक्तस्राव से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान काले रंग की महिंद्रा 125 कार को रोकने का इशारा किया। कार सवार ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जिससे पुलिस की बाइक पर सवार दो सिपाहियों को चोट लगा। इनमें से एक ने कार पर गोली चलाई। विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना ने बताया कि विवेक ने फोन पर बताया था कि वो सना को छोड़ने के बाद घर पहुंचा। बाद में फोन किया तो एक आदमी ने उठाया। उसने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, आप लोहिया अस्पताल में। लोहिया पहुंचने पर गोली की बात नहीं बताई गई। वहां कहा गया कि छोटा सा एक्सीडेंट था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा विवेक तिवारी के सिर पर चोट लगी, उसके बाद ब्लीडिंग हुई और उन्हें बचाया नहीं गया। लखनऊ के SSP कलानिधि नैथानी ने बताया कि गोमतीनगर थाने में कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। सुबह एक मुकदमा लिखाया गया है थाना गोमती नगर में, अंतर्गत धारा 302 IPC, जिसमें सना खान है। इन्होंने बताया है कि कल रात को ये अपने कलीग के साथ घर जा रही थी। कलीग का नाम विवेक तिवारी है। तो CMS गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी सामने से दो पुलिस वाले आए। इन्होंने बच निकलने की कोशिश की तो और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, तो अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे कहीं पर गोली चली है। इसके बाद गाड़ी आगे जा करके एक खंभे से टकरा गई और अंडरपास पर एक दीवार से टकरा गई और विवेक के सर से काफ़ी खून बहने लगा। इसने सना ने मदद मांगी और कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उन सबको अस्पताल ले गई और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई विवेक की। इसमें मौके पर आला अधिकारी सभी अधिकारी वहां पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो बात घटनास्थल से और प्रत्यक्षदर्शियों से निकल करके आई है कि जब वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और इनसे जब संदिग्ध कुछ गतिविधि वहाँ पर पुलिस को लगी, पुलिस ने जब पूछताछ की तो जो गाड़ी थी वो आगे चल के पुलिस की मोटरसाइकिल को हिट की है, जिससे उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस कर्मी भी वहाँ पर चोट हुए। जब गाड़ी फिर बैक हुई तो जैसा कि बताया गया है कि बैक होने के बाद जब फिर गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो पुलिस कर्मी ने वहाँ पर जो कांस्टेबल है प्रशांत चौधरी, उसने एक फायर किया जो उसकी विंडशील्ड पे लगा है गाड़ी के, और विंडशील्ड को पार करते हुए अंदर चला गया। इसके बाद गाड़ी वहाँ पर बहुत तेज स्पीड से आगे को निकली, आगे चल के अंडरपास के पास एक खंभे पर टकराई। इस पूरे घटना में जो मृतक हैं इनके मृत्यु जब गाड़ी टकराई है उसके बाद एक्सीडेंटल चोटों से हुई या बुलेट से हुई है, इसका सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगी। फिलहाल जो है जो सना है इनके तहरीर के आधार पर अंतर्गत IPC 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है। सिपाही प्रशांत चौधरी ने बताया कि कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन रुकने के बजाय हम लोगों की मोटरसाइकिल पर ही चढ़ा, इसके बाद हमने गोली चलाई। सबसे खास बात तो ये कि आरोपी सिपाही अपने को बचाने के लिए एक झूठी कहानी तैयार करके बयान किया। दोनों सिपाही को न तो खबर चाहिए और न बाइक दुर्घटनाग्रस्त। इस घटना पर पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। आरोपी कांस्टेबल को हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया और जल्द ही बर्खास्त भी कर दिया। लखनऊ में एक घटना हुई है, घटना में एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी, वो दोनों काम कर रहे थे और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। मेरे दो सिपाही जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज़ किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कांस्टेबल्स पे चढ़ाने की मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में, जैसा कांस्टेबल्स ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन पे लगी है और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। ये एक प्योर अपराध की श्रेणी में आता है। हमने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है
और उनको आज शाम तक हम बर्खास्त कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को सेल्फ डिफेंस का प्ली लेते हुए ये नहीं है कि वो एक्सीड कर जाए कि पब्लिक परसेप्शन थ्रेट का कितना है। और मैं समझता हूँ कि ये हत्या का प्योर मामला है जो मेरे पुलिसकर्मियों ने किया है, और इसी के कारण उसको हत्या के मुकदमा के दर्ज करके उन्हें। सर, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि गनशॉट इंजरी से उसकी हत्या हुई? सर आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं पुलिस पर कई ज्यादा मामले हो रहा, चाहे वो मेरठ का मामला हो या लखनऊ का मामला हो, तो पुलिस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं खाकी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, गोली का गलत इस्तेमाल? पुलिस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है हम लोग उस पर सख्त कदम उठा रहे हैं, और जहाँ पे भी अगर पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं तो उन्हें न केवल गिरफ्तार किया जाता है, न केवल उन्हें सस्पेंड किया जाता है, बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाता है। और कई ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें हमने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनफैक्ट मेरा सीधा संवाद पुलिसकर्मियों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिसकर्मी जो हैं वो समाज की सेवा के लिए हैं, न कि किसी को रक्षक या भक्षक की श्रेणी में आने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उस पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। सर, कप्तान, आप मानते हैं कि आगे इस तरीके की कोई पुलिसकर्मी गलती नहीं करेगा, किसी निर्दोष की जान नहीं लेगा? कोई निर्दोष की जान नहीं, ये प्योर हत्या का मामला है जिसमें हमने 302 का मुकदमा दर्ज किया है। कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर अपना बयान दिया और कहा कि दोषी कांस्टेबलों पर कार्रवाई कर दी गई है और जरूरत पड़ेगी तो CBI जांच भी कराई जाएगी। घटना है वह इनकाउंटर नहीं है, हम इस घटना की पूरी जांच कराएंगे। सर छोड़, मेरा कौन पकड़ा है? जो दोषी थे थोड़ा ये उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, किनारे कर लेना, दोषी होगा किसी को सही फ्रेम कर नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरी घटना की जांच होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो CBI को भी हम इस मामले में। महाराज जी, परिवार वालों, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉग इन करें www.खबरोंकीदुनिया.com।